सो हे गाइस, कैसे हो सबके सब। आई होप कि तुम सभी बढ़िया होने वाले हो। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ तुम्हारे को पूछे गए सवालों का जवाब। तो वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखना, और पसंद आ जाए तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके तपती में नमक है? तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीप ने, पर मंथ यूट्यूब से कितना रुपया मिलता है? तो गाइज ये रहा मेरा पर मंथ का यूट्यूब इनकम, इसी के अंदर है जो कि तुम्हें देखना था सभी को। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो भाई यही है मेरी पर मंथ यूट्यूब से इनकम। गजब तू भी बाज आदमी। तो यहाँ पर दीप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्लफ्रेंड है क्या? तो हाँ इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा फेवरेट गेम कौन सा है? भाई मेरा फेवरेट गेम BGMI है एंड माइनक्राफ्ट भी है, बट BGMI ज़्यादा फेवरेट है। बट उसकी स्ट्रीम नहीं करते क्योंकि उसकी ऑडियंस नहीं है एंड माइनक्राफ्ट की ऑडियंस है, तो इसीलिए अभी तो दोनों गेम फेवरेट है, बट BGMI ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, तू कौन सा चड्डी पहन के लाइव स्ट्रीम करता है? ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन शर्मा की तरफ से, व्हेन विल यू डाई? भाई इससे मेरे को याद आया, मैं रिसेंटली एक हफ्ते हुआ होगा, एक महीना हो गया होगा एक्चुअली, तो मैं गया था एक बाबा के पास, ज्योतिष के पास। तो उनसे मैंने कहा कि बाबा मुझे ये बताओ कि मैं कब मरने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे एक तारीख बताई एंड फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आपको झूठा साबित कर सकता हूँ, अगर मैं इसी वक्त इसी समय किसी गाड़ी के नीचे या किसी छत से कूद जाऊँ तो मैं अभी मर जाऊंगा और आपकी बात झूठ हो जाएगी। तब उन बाबा ने मुझे एक बात कही जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो उन्होंने ये कहा कि चला जा भोसड़ी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि की तरफ से, तेरा नाम क्या है? आकाश है स्काई। यार मुझे तो लोग स्काई भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, घर में वैसे नॉर्मली आकाश बोलते हैं, बट जो लोग मेरे यूट्यूब से हैं वो लोग मेरे को स्काई भाई करके ही बोलते हैं ज़्यादातर लोग। 7K का मेमोरेबल कोई वीडियो? यार मेमोरेबल वीडियो में मेरे को तो लगता नहीं कि मैं अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, बट यस मैं कुछ बड़ा लाने वाला हूं, तो बहुत ही जल्द वो आएगा, तो तुम लोग यार स्टे ट्यून कर सकते हो। बाकी थर्ड क्वेश्चन है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर या जो तेरे साथ हर टाइम देता है? यार बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर में मेरे वो सभी सपोर्टर्स हैं, सभी लोग हैं जो मेरे को हर टाइम जो है मोटिवेट करते रहते हैं मेरे यूट्यूब जर्नी के लिए या मेरे पर्सनल के लिए भी। बहुत लोग हैं, तो बहुत लोग हैं, मैं एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सबका नाम तो अब नहीं ले पाऊँगा वीडियो में, लेकिन है बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कौन कौन है। खैर बस यही था। और लास्ट क्वेश्चन है, अभी तू कौन है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉमन है, मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं एक ही बार में आंसर देता हूँ, पर्टिकुलर एक एक करके नहीं दे रहा, तो यार ऑफेंड मत हो जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरी एज क्या है? तो मैं यार अभी 17 साल का हूँ, रिसेंटली मेरा बर्थडे था 9 मार्च को, तो तुम्हें पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, अभी विश कर देना कमेंट में लॉल। और बात करते हैं भाई यहाँ पर, बहुत लोग एड्रेस पूछे, तो भाई एड्रेस तो मैं नहीं दे सकता, बट हाँ मैं इंडिया और वाराणसी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश इंडिया वाराणसी, ये मेरा एड्रेस है, और इससे ज़्यादा मैं एड्रेस दे भी नहीं सकता, इससे ज़्यादा दे दिया तो तुम कल को मेरे घर के नीचे आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉमन था, सभी ने पूछा था भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो चलो पता कर लेते हैं आज भाई सब पता कर लेंगे आज हम। तो यहाँ पर है मेरा टूथपेस्ट जो कि तुम्हें लाइट में आना पड़ेगा एंड यार कोई प्रमोशन नहीं है वैसे, एंड भाई नमक। One eternity later. नमक भाई इसी से पूछते भाई टूथपेस्ट भाई नमक है क्या तेरे पे? चला जा भो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो निंजा गेमर की तरफ से, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? भाई ऑब्वियसली यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि एक वेल नोन यूट्यूबर बन जाओ, एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर बन जाओ, और सब में मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट जरूर से करना। फैमिली के लिए क्या करना चाहता हूँ? भाई फैमिली के लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले तो भाई मेरे को जितने भी मतलब दिक्कत है हमारे घर में वो सब भाई ठीक हो जाए, मैं तुम्हें दिक्कतें तो नहीं बता रहा बट दिक्कतें हैं बहुत सारी, तो वो सब ठीक हो जाए भाई। एंड अगर मैं थोड़ा सा वेल नोन यूट्यूबर बना, थोड़ी अर्निंग वर्निंग हुई अच्छी खासी, तो फिर यार मैं उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा अपने फैमिली को, एंड साथ ही साथ यार तुम सबको भी, मतलब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करने की। तो बस यही है फिलहाल। तो सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? भाई फेवरेट फूड में मोमोज कह सकते हो, एंड फेवरेट सॉन्ग, भाई मेरा फेवरेट सॉन्ग भाई मेरे पे नहीं डिपेंडेड है, वो मेरे मूड पे डिपेंडेड है, मेरे को जैसा मूड होता है वैसा सुनता हूँ मैं। एंड बाय द वे एक चीज़ की, मैं सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, पता नहीं क्यों बट सैड सॉन्ग सुनता रहता हूँ मैं, तो मैं एक तरीके से मान लो मेरा सैड सॉन्ग जो जितने भी है ज़्यादातर मेरे सैड सॉन्ग फेवरेट सॉन्ग्स हैं।
ठीक भाई, इतना ही लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता, ऐसे ही लगे रहो। अरे भाई थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक यू। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा डेविल बॉय राहुल ने, भाई इतनी अच्छी वीडियोस कहाँ से लाते हो और कोलैब विद यूट्यूबर का क्या होता है? देखो भाई वीडियोस तो भाई मेरे को टॉपिक खोजने में, वीडियो को एडिट करने में, बनाने में टाइम लगता है, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो, और थैंक यू ये सुनकर अच्छा लगा कि भाई तुम्हें वीडियो पसंद आती है। और दूसरी बात कि भाई कोलैब विद यूट्यूबर, तो जिनको नहीं पता कि मैं बहुत ही जल्दी जो है एक थोड़ा सा बड़े प्रोजेक्ट पे मान के चल सकता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे कि बहुत सारे यूट्यूबर जो कि जिनके सब्सक्राइबर्स के अमाउंट कम है, नंबर कम है, उन सभी के साथ जो एक बहुत बड़ा कोलैब करने वाला हूँ वो सोच रहा हूँ मैं, एज अ 7 के स्पेशल कह सकती हूँ। तो देखते हैं, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं डेट वेट, लेकिन जैसे ही होगा मैं तुम्हें ज़रूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस यही है फिलहाल। तो भाई यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस अल्ट्रा ने YT जर्नी इन शॉर्ट स्टोरी। भाई YT जर्नी यार, देखो मेरा, मैं सही बताऊँ तो जो मेरे को स्टार्टिंग से जानते हैं, मतलब इस चैनल से नहीं, इससे भी पहले वाले चैनल से जानते हैं, उन्हें ज़्यादातर पता होगा, बट तब भी मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट में कि यार इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जो कि भाई हैक हो गया था, जिसपे कि मैंने यार 4 साल मेहनत किया था, बट वो हैक हो गया था एट लास्ट जाके। एंड उसके बाद यार मैंने ये वाला चैनल ओपन किया, इस वाले पे मेहनत किया, बट इसमें ग्रो करने में मुझे उतना समय नहीं लगा जितना मुझे उसमें लग रहा था, क्योंकि इसमें मेरे को एक्सपीरियंस था एंड तुम सबका सपोर्ट मिला जिससे कि मैं इस चैनल को इतना जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा हूँ एंड आगे भी आई होप कि करता रहूँगा। तुम सभी सपोर्ट करोगे तो ज़रूर से एक दिन ये चैनल भाई 1 मिलियन पे ज़रूर से पहुँचेगा। तो तुम सब बस सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और जितना हो सके यार वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। बाकी तो यही चलता है भाई मेरा यूट्यूब जर्नी। एंड बात की जाए यूट्यूब जर्नी में, तो भाई उसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ आई। पहले मैं सिर्फ मोबाइल डेटा से वीडियोस बनाता था अपने ओल्ड चैनल पर, इनफैक्ट मैंने इस चैनल पर भी स्टार्टिंग मोबाइल डेटा से किया था, जो कि जियो का भाई 1.5 GB का इंटरनेट मिलता था, जिसको कि मैं बचा के भाई लाइव स्ट्रीम करता था। मानता हूँ लाइव स्ट्रीम ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, 1 घंटे की होती थी, ऑलमोस्ट 1 घंटा भी नहीं चला पाता था क्योंकि डेटा ख़त्म हो जाता था। तो बहुत सारा स्ट्रगल है भाई, मतलब जब मैं स्ट्रीम करता था पहले, उस समय भाई मेरे पास एक फ़ैन भी नहीं होता था, अभी तो खैर टेबल फ़ैन है, जब उस समय फ़ैन भी मैं नहीं चला पाता था। देखो बड़ा वाला जो पंखा है, जो सीलिंग फ़ैन है, वो तो मैं नहीं चला पाता था क्योंकि उससे थोड़ा सा शोर होता था, तो इसलिए डिस्टर्ब होता था, हवा की साउंड आती थी। मेरे पास कोई माइक्रोफोन भी नहीं था, मैं ईयरफोन्स का माइक यूज़ करता था। एंड अभी की बात की जाए तो भाई अभी मेरे पास उतना कुछ नहीं है, बट हाँ एक माइक है, एक टेबल फ़ैन है जो कि मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी ये सब बंद है, क्योंकि तुम्हें बैकग्राउंड की नॉइस ना आए इसलिए, तब भी यार थोड़ा बहुत शोर होता रहता है घर के आसपास, मेरे घर में नहीं हो तो लेकिन मेरे घर के आसपास जरूर होता है। तो यही सब है स्ट्रगल, और मुझे लगता है भाई मेरा स्ट्रगल जो है वो सक्सेसफुल होगा किसी ना किसी दिन, अगर तुम सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो ज़रूर से होगा। तो बस यही था। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लेस सोडा के नाम से, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आर यू प्लानिंग टू मेक इन फ्यूचर? यार देखो कंटेंट में मैं अभी सोच रहा हूँ फ्यूचर के लिए कुछ बढ़िया करने का, मतलब कि कुछ सीरीज़ वगैरह टाइप का मैं कुछ बनाने का सोच रहा हूँ, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तुम सब सपोर्ट ज़रूर से करना। फेस रिवील बन, भाई मेरा फेस रिवील बहुत पहले हो चुका है, मेरे इंस्टाग्राम पर है, मेरे ब्लॉग चैनल पर है, बट ब्लॉग चैनल तो खैर इतना एक्टिव नहीं है। डिड यू स्टार्ट स्ट्रीमिंग जस्ट फॉर फन और वर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग? तो देखो मैं सच बताऊँ तो मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था भाई, मैं डायनेमो गेमिंग को देखा और बहुत लोगों ने पूछा था भाई इंस्पिरेशन कौन है, तो यस इंस्पिरेशन मेरा डायनेमो सर है, तो मैं उनको देख के जो है अपना ये स्ट्रीमिंग वाला चीज़ जो है वो स्टार्ट किया था। एंड यूट्यूब पर एक्चुअली तभी आया था मैं उनको देख के, मतलब उनकी जो ऑडियंस थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ऑडियंस, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मेरी भी अपनी खुद की ऑडियंस हो जो मुझे भाई स्काई गेमिंग के नाम से जाने, एंड भाई मतलब मेरी भी बातें हो किसी के सामने कि भाई तुमने इसकी स्काई गेमिंग की वीडियो देखी ऐसा कुछ। तो यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो बस यही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तान्या का, फेवरेट पर्सन इन द स्ट्रीम कौन है? बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। तो मेरा फेवरेट पर्सन स्ट्रीम पर है रीच एंड एवरी सिंगल पर्सन है जो कि मेरी स्ट्रीम को देखता है, जो कि शुरू से एंड तक मेरी स्ट्रीम पर आता है, मेरे को सपोर्ट करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, तो वो मेरे सभी जो है वो मेरे फेवरेट पर्सन है। एंड कोई स्पेशली वैसा तो नहीं है, बट हाँ सबके सब है। एंड स्पेशली वैसे बात की जाए तो भाई रोहित भी है, क्योंकि रोहित जो है मेरे को स्टार्टिंग से भाई पूरा बहुत सपोर्ट किया है, पूरी स्ट्रीम पर रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ग्रेट्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवू ओपी की तरफ से, मतलब शिवम की तरफ से, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? तो इंस्पिरेशन मेरा डायनेमो गेमिंग है। विच थिंग यू मोटिवेट यू मोस्ट एंड नेवर गिव अप ऑन यूट्यूब? तो यार ये मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ यूट्यूब के लिए भाई। मैं रियली मतलब जब भी मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड खुद मैं अपने चैनल को खोलता हूँ, अपने चैनल पर जाके भाई अपनी ओल्ड वीडियोज़ देखता हूँ, एंड भाई सोचता हूँ कि भाई मैं पहले कहाँ था, अभी पहले से कहाँ पर आ चुका हूँ, एंड आगे भी बहुत जानने से, तो मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर लेता हूँ
ये सब सोच के। एंड बाकी भी बहुत लोग हैं जो मेरे को भाई बोलते हैं यूट्यूब मत क्विट करना या यूट्यूब पर बने रहो वीडियोस कमाएगी, तो ये सब सुन के भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से मिलती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मेरी YT की पहली इनकम कितनी आई थी। भाई YT की पहली इनकम, मैं देखो YouTube का एक रूल है कि मैं डायरेक्ट तुम्हें YT की अपनी इनकम नहीं बता सकता यहाँ पर, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो भाई Samsung Galaxy का F12 ये वाला जो फ़ोन है 4GB का मॉडल, ये जितने का आता है बस उसी के आसपास मेरी फर्स्ट इनकम थी YouTube से, तो बस यही था। तो एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पर बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैं सबका स्पेसिफिक नहीं ले रहा नाम यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा था कि भाई मेरे फैमिली या मेरे पापा जो है मुझे सपोर्ट करते थे यूट्यूब के लिए। तो मेरे फैमिली में देखो मैं और मेरे पापा रहते हैं, एंड मदर की जो वो डेथ हो चुकी थी वो जब मैं 3 साल का था। तो भाई सपोर्ट की बात की जाए तो भाई देखो स्टार्टिंग में तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला अपने पापा की तरफ से, मतलब कि मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, लाइव स्ट्रीम करता था, एंड पापा कहते थे ये क्या कर रहे हो, मतलब सब क्या रहे हो तुम, कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मत करो ये सब। तो ये सब पहले स्टार्टिंग में था, बट आफ्टर दैट जब मेरी फर्स्ट इनकम आई यूट्यूब से एंड मेरा जब मोनेटाइजेशन एनेबल हुआ था, जब तब मैंने पापा को बताया था कि मेरी इनकम आएगी, तब मेरे पापा बोले थे कि ठीक है करो, अब तुम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। एंड पापा ने भी देखा था कि मैं रात, मतलब अभी भी रात 2-2 बजे तक बैठ के जो है अपनी एडिटिंग कम्प्लीट करता हूँ। तो पापा ने भी देखा एंड पापा ने कहा कि ठीक है स्ट्रगल करो। एंड उसके बाद स्ट्रगल करते करते मेरी फर्स्ट इनकम आई, फिर सेकेंड आई, तो अभी तो यार सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से, ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं मिलता, मिलता है, बट अब भी उतना ज़्यादा नहीं, कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई ये सब क्या कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, आई होप कि तुम सपोर्ट करोगे एंड आगे भी जाके मेरे को बहुत एक बड़ा क्रिएटर बनाओगे, वेल नोन क्रिएटर। तो ठीक है यही था फिलहाल के लिए, बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सैसी प्लेस की तरफ से, कोई क्रश या फिर कोई लड़की जिसको तुम सीक्रेटली प्यार करते हो। हाँ होता है कभी कभी, हाँ है एक्चुअली मैं, बट नाम नहीं ले रहा तो बस और कुछ नहीं। क्या तुम्हें जलन होती है जब तुम उसको उसके बीएफ के बारे में बात करते हो सुनते हो? हाँ ऑफ कोर्स होता है, बट यार देखो लाइफ है तो चलता रहता है, क्या ही कर सकते हम। क्या तुम्हें पेनफील नो होता है जब वो सैड होती है? ऑफ कोर्स होता है, बट यार होती है ना कुछ चीज़ें कि हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते किसी के सामने, तो ठीक है चलता रहता है, होता है ये सब तो होता रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित की तरफ से, दिन में कितने पैसे खाया जाता है? भाई बिग फैन क्वेश्चन ले लो, लॉल भाई दिन में मैं 50-60 रुपये खा ही जाता हूँ फिलहाल तो, बट ज़्यादा नहीं खाता, कभी कभी वो भी नहीं होता कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दिन में बहुत ज़्यादा ही खा जाता हूँ, बट दोस्त लोग मेरे को भुक्कड़ कहते रहते हैं, तो यार मैं भुक्कड़ नहीं हूँ भाई, एंड बस यही है फिलहाल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैशिंग विद मयंक मयंक भाई की तरफ से, आपके सारे चैनल पर एक्टिव कब होगे आप? भाई मैं सही बताऊँ तो मेरे को मन तो करता है सारे चैनल पर एक्टिव आने का, बट यार मैं सब चैनल हैंडल नहीं कर पाता एक साथ, फिलहाल इसी पे वीडियोस बनाने में टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग के लिए रात भर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता ढंग से इसीलिए। तो ठीक है गाइस, आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और मैं बहुत लोग क्वेश्चंस नहीं ले पाया उसके लिए मेरे को माफ़ करना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती बनाई है एंड मेरे पास उतना ज़्यादा एडिटिंग के लिए मतलब टाइम भी नहीं था, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि मैं सभी के क्वेश्चन पिक कर पाऊंगा जिसका इस वीडियो में नहीं हो पाया। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, ख्याल रखो अपना, बाय।